Assalamu alaikum. I am Ms. Bahuj and my topic is chlordiazepoxide drug effect on open space behavior on animals. So firstly, what is open field activity? Open field test has become a very widely used tool in behavior research, and it covers a variety of species ranging from invertebrates to mammals. In mammals, it covers a large number of species of rodents like rats, mice. Mostly used, this is my research में ये हमारे पास सबसे ज़्यादा use होते हैं. And it sometimes it considered as a standardized test. Definition of the OFT is an enclosed open area where an animal is placed, and some form of behavior usually एक्टिविटी इज मेजर्ड. ओपन फील्ड में हम लोग उसकी एक्टिविटी को ही हम लोग मेजर करते हैं कि उसकी एक्टिविटी हमारे पास क्या है. अब एनिमल ओपन स्पेस बिहेवियर्स क्या करेंगे, बहुत सारे बिहेवियर्स हमारे पास एनिमल शो करते हैं. कुछ उसमें से हमारे पास होते हैं कि वो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर शो करते हैं कि वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट को. कुछ जो है वो फेयर बिहेवियर शो कर रहे होते हैं जो उस इन्वायरमेंट से फेमिलियर नहीं होते, तो वो डार्कर रीजन और प्रोटेक्टिव एरियाज को वो ढूंढ रहे होते हैं. कुछ जो है वो हमारे पास वॉल सीकिंग बिहेवियर शो करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थिग्मोटैक्सी कहते हैं. सही है, जिसमें एनिमल जो है वो बाउंड्री वॉल्स या कॉर्नर्स पर जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, उसके साथ साथ चल रहा होता है. लाइक वो उसकी डायमेंशंस को वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. और कुछ जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, एनिमल्स हैव एन एज अवॉइडेंस बिहेवियर हमारे पास देते हैं. सो दिस इज द अपैरेटस ऑफ पिन फील्ड एंड इज डेवलप्ड बाय कैल्विन एस हॉल. इसकी मेजरमेंट जो है वो 72 33 सेंटीमीटर हिसाब से इसकी मेजरमेंट होती है. कुछ सम टाइम अलग भी हो सकती है. इसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं मूवमेंट को 3 डायमेंशंस में. एनिमल की मूवमेंट हम लोग देखते हैं बाय द एक्टिविटी सिस्टम. इसमें एंड कैन बी एनालाइज फॉर एविडेंस ऑफ हाइपर एक्टिविटी एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर एंड स्टीरियोटाइप रोटेशन. सम वर्जन आर यूज टू असेस एंजाइटी एंड मेमोरी. उसका प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास सेंटर है इसमें हम लोग इसे प्लेस कर देते हैं. एनिमल जो होता है यहाँ पर वो हमारे पास प्लेस किया जाता है इस सेंटर में. फिर हम लोग उस सेंटर में या उसके एरिना में वो हम लोग उसकी बिहेवियर और परफॉर्मेंस जो होती है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक 5 मिनट के टेस्ट सेशन में. तो ये हमने उसको सेंटर में तो प्लेस कर दिया, लेकिन अब वो वहाँ से कहाँ जा रहा है, कितने टाइम वो हमारे पास आउटर में जा रहा है, कितने टाइम वो इनर आ रहा है, कितने टाइम में वॉल पर जा रहा है, वो हमने सब कुछ यहाँ पर नोट करना है. या तो हम लोग उसके काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स को जो हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं बाय एनिमल से, या फिर हम लोग एक जो डिजिटल वीडियो कैमरा है वो हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे पास सारे इवेंट्स को वो कैप्चर कर लेता है. देन फिर हम लोग कैलकुलेटेड डोज एनिमल को देते हैं एंड वेट करेंगे कि उसका एक्शन वो अपना शो करने लगे. देन फिर हम लोग उसको 2 more readings लेते हैं 10 मिनट के इंटरवल पर. देन दिस इज द ड्रग क्लोरडाइजोपॉक्साइड ड्रग. ये हमारे पास जगह है, इसके जो हमारे पास इफेक्ट हैं या इसका जो सारा जो प्रोसीजर है वो हमने एक आर्टिकल की बेसिस पर हमने यहाँ पे मेंशन किया है. उस आर्टिकल ने ये हमारे पास मेथड्स हमारे पास वगैरह बताए थे, जिसमें उसने एनिमल्स जो लिए थे वो हमारे पास एनिमल एंड हाउसिंग था. उसका फिर हम उसने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो की थी वो है. फिर एनिमल ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है. फिर उसकी जो मॉनिटरिंग और एनालिसिस ऑफ बिहेवियर उसने की थी वो है. देन फिर हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारे पास आ जाएगा. तो फर्स्ट हमारे पास है एनिमल एंड हाउसिंग. उस इन्होंने हमारे पास टोटल ऑफ 108 मेल माइस यूज किए थे, जो हमारे पास 30 to 35 उनका वेट था और वो 70 to 78 डे ओल्ड थे. तो ये उनको इन्होंने जब ये हमारे पास शिपिंग की हुई थी तो हमने इनको इसका स्ट्रेस को कवर करने के लिए हमने इन्हें मिनिमम 10 days दिए थे कि वो अपने स्ट्रेस से कवर हो जाए, फिर हम लोग उसको अपने एक्सपेरिमेंट में हम लोग उनको यूज़ कर सकें. ठीक है. देन फिर हम एनिमल्स वर इंडिविजुअली हाउस्ड इन 26 x 16 x 12 सेंटीमीटर क्लियर पॉलीथाइलिन केजेस प्रोवाइडेड विद अ वुड शेविंग्स बेडिंग एंड पेपर नेस्टिंग मटेरियल विद फुट एंड
टैप वाटर अवेलेबल, उनको सब कुछ वहां पर हमारे पास दिया जाता है। इनका जो रूम है, जो इनका ये होता है एरिया होता है, वो हमारे पास क्या होता है, उनका 12 बार उनकी लाइट होती है, 12 बार डार्क सर्कल होती है। और इसमें हम लोग द केज इज होल्डिंग द इंडिविजुअल माइस वर चेंज, जो माइस जो होल्ड केजेस में जिसमें वो होते हैं, उनको सिर्फ वो वंस वीकली वो हमारे पास चेंज होते हैं, और उनको चेंजिंग के 2 डेज के अंदर अंदर हम उन्हें टेस्ट नहीं करते। फिर इसमें जो हमने ड्रग दी है, तो हमारे पास क्लोडाइजोपॉक्साइड जो ड्रग है वो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने उसको डिसॉल्व करना है 0.9% सलाइन सॉल्यूशन के अंदर। दिस इज मिस्टेक, ये क्लोडाइजोपॉक्साइड एरोक्लोराइड ड्रग थी ये, उन्होंने ये मिस्टेक हो गई थोड़ी, मेंशन किया था मैंने, पर वो फिर भी पता नहीं ठीक नहीं हुआ। क्लोडाइजोपॉक्साइड एट 5 mg पर kg के हिसाब से और 10 mg पर kg, यहाँ पे हमने 2 डोजेज यूज़ किए हैं क्लोडाइजोपॉक्साइड ड्रग की, तो ये उसको हमने रिजॉल्व किया 0.9% सलाइन सॉल्यूशन के अंदर। Then each mouse was tested in the open field. हर माउस जो होगा वो हमारे पास ओपन फील्ड में टेस्ट होगा, सिर्फ एक बार वो टेस्ट होगा, और टेस्टिंग से 30 मिनट पहले हमने उसे इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन देना है और ऑफ द व्हीकल और कंट्रोल ग्रुप्स, या तो व्हीकल का देंगे या फिर ड्रग का देंगे हम लोग उसे, जो व्हीकल जो हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है उसको हमने इंजेक्शन 30 मिनट पहले देना होगा, जो हमने टेस्ट करने से पहले। फिर हमारे पास एनिमल ग्रुप्स एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें हमने क्या बताया कि हर माउस होगा वो या तो सेलाइन रिसीव करेगा या क्लोडाइजोपॉक्साइड की जो हमारे पास mg ड्रग है वो हमारे पास 5 mg और 10 mg पर kg के हिसाब से वो हमारे पास रिसीव करेगा, सही है। और उसको हम लोग पहले उसका हम लोग फर्स्ट हम लोग 0 मिनट हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग लेंगे, देन फिर हम लोग उसको उसके बाद ड्रग देने के बाद हम उनको नोट करेंगे कि अब उसका क्या इफेक्ट आया है हमारे पास, सही है। जो भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, इसमें ये जो हमारा एरिया होगा एरिना होगा उसको हमने क्लीन करना है विद 10% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ, और उसको फिर ड्राई करना है कम्प्लीटली। जो हमारे पास बिहेवियर जो हमारे पास आया था, जो हमने नोट किया है, वो हम क्या है मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर इन इंडिविजुअल माइस वर वीडियो टेप विद अ कैमरा, हर जो वो वीडियो टेप्ड होगा हमने उसको कैमरे हमने उसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे हम लोग, और वो जो मॉनिटर करने का जो रूम होगा वो एडजस्टेंट होगा टेस्टिंग रूम से, सही है। और इसको एक ट्रेन ऑब्जर्वर जो है वो सारे बिहेवियर्स को वो रिकॉर्ड कर रहा होगा फ्रॉम द डिजिटल वीडियो यूजिंग अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। और जो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से बिहेवियर्स हमारे पास आए थे, उनमें हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एक्सप्लोर है, वॉक है, स्पिन टर्न है, सेल्फ रूम है, सिट है, स्लीप है, स्ट्रेच अटेंड है, रिटर्न, रेयर, जंप। इन दिस ये फर्स्ट जो है एक्सप्लोर, वॉक, स्पिन टर्न, सेल्फ रूम, सिट, स्लीप, इन सब में हम लोग क्या करेंगे, बोथ फ्रीक्वेंसी भी एंड ड्यूरेशन ऑफ परफॉर्मेंस भी हम दोनों चीज़ें नोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ बिहेवियर अकर्ड, सही, एंड ड्यूरेशन और कितने टाइम के लिए ड्यूरेशन होता है उसके परफॉर्म कितने पूरे टाइम का था वो हमने एक सक्सेसिव 5 मिनट्स इंटरवल पर हमने इसे नोट करना है दोनों चीज़ें। मोबाइल स्ट्रेच अटेंड, रिटर्न, रेयर, जंप, इन ऑल ऑफ दीज वी कैलकुलेट ओनली द फ्रीक्वेंसी, इसमें हम लोग ड्यूरेशन नहीं देखते, हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे इसमें, सही है। और ये हमारे पास ओपन फील्ड एरिना है, इसमें इन्होंने इसको 5 एरियाज में डिवाइड किया है, जैसे ये हमारे पास कॉर्नर्स आ गए, 4 कॉर्नर्स हैं जिन्होंने 8.16% जो है टोटल एरिया का कवर किया हुआ है। फिर हमारे पास 1 of the 4 walls आ गई हैं, ये हमारे पास 40.82% उन्होंने कवर किया हुआ है। फिर हमारे पास आउटर रिंग आ जाएगी, 32.65% उन्होंने कवर किया हुआ है पूरे टोटल एरिया का। देन इनर रिंग, देन सेंट्रल स्क्वायर हमारे पास आ जाते हैं, इसी में हम लोग अपना पूरा बिहेवियर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको नोट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग टोटल स्कोर जो थिकमोटैक्सिस ने बताया हुआ वो हम लोग हमने बताया था कि ये कितना वो वॉल्स के साथ कांटेक्ट में रहता है या कॉर्नर्स के साथ रहता है, तो हमने वो यहाँ पे थिकमोटैक्सिस हमने नोट करना होता है टोटल स्कोर। और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि समिंग करने के हम लोग तो टाइम स्पेंड जो होता है किसके अंदर हमारे पास कॉर्नर में, ये जो कॉर्नर में चारों कॉर्नर में जो अपना टाइम स्पेंड करेगा उसको, देन वो स्पेंड कितना है वो करता है हमारे पास ये अलोंग द वॉल्स, वॉल्स के साथ वो हमारे पास कैसे वॉल्स के साथ साथ होकर कैसे चलता है, उतना कितने टाइम के लिए चलता है, ये हमने यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। देन हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ जाती है, इसमें हम लोग द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच बिहेवियर,
were analyzed with a mixed design, 1:1 repeated major analysis of variance with treatment. सही, इसमें हम लोग एन एम वो भी हम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग के साथ करेंगे जिसमें 3 लेवल्स आ जाते हैं, एक CDB5 आ जाएगा, CDB10 आ जाएगा एंड सेलाइन आ जाएगा, मतलब कि क्लोरोडाइजोपॉक्साइड की 5 mg/kg की डोज भी आएगी, क्लोरोडाइजोपॉक्साइड की हमारे पास 10 mg/kg की डोज भी हमारे पास आई है। देन हम लोग फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग जो हमारे पास ग्रुप है उसके लिए हम लोग 0:1 रिपीटेड मेजर एनोवा वॉज रन ऑन ईच ट्रीटमेंट विद टाइम कोर्स एज विद इन द सब्जेक्ट फैक्टर। हमने एनोवा हम लोग रन करेंगे और एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग एक मैनोवा भी रन करता है जो मल्टी वेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरियंस होता है एंड उसको हम लोग वॉज रन होगा ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग दोनों के लिए रन करते हैं ऑफ ईच बिहेवियर एट द वेरियस टाइम इंटरवल्स इन एक्सपेरिमेंट। सही, हम लोग ये सारी जो हमारे पास एनालिसिस है ये एक हमारे पास कैरिड आउट होगी विद सुपर एनोवा कंप्यूटर पैकेज पे, राइट। फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट हमारे पास ये है सबके कितना वो एक जो अगर हमारे पास लोकेशन है तो उसमें हमारे पास कितना हमारे पास जो कॉर्नर है उस पर कितना है, पूरे टोटल मिलाकर कितना है, फिर कॉर्नर पे हमारे पास कितना है, फिर वॉल पे हमारे पास कितना है, आउटर रिंग सब पे उन्होंने ये हमारे पास एक 0 to 5 minutes पर भी उन्होंने हमें बताया हुआ है और 25 to 30 minutes पर भी उन्होंने बताया हुआ है। देन फाइनली द इफेक्ट ऑफ क्लोरोडाइजोपॉक्साइड का इफेक्ट हमारे पास है क्या जो हमने ड्रग दी है। देखिए पहले तो हमने बताया बिहेवियर जो है हमारे पास सलाइन माइस का और वहीकल माइस का, ये दोनों जो है हमारे पास थ्रू आउट द 15 minute टेस्ट का जो हमने नोट किया है वो ओवरऑल सिमिलर था लेकिन पूरा आइडेंटिकल नहीं था ये, राइट। तो कुछ जो इसमें डिफरेंसेस थे वो हमारे पास कौन सा होते थे कि सेलाइन माइस डिस्प्लेड अ स्लाइट इंक्रीज ऑफ द बिहेवियर सिट विद टाइम, इसका जो सिट टाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा इंक्रीज हो रहा होगा और जो इसका हमारे पास आउटर और इनर रिंग में जो इसने टाइम स्पेंड किया होगा वो भी हमारे पास इंक्रीज होगा सेलाइन माइस का, राइट। और इसकी जो लोकोमोटरी बिहेवियर है एक्सप्लोर है या फिर शोर एंड ओवरऑल ये हमारे पास क्या करता है डिक्रीज हो रहा होता है इसमें, सही है। And was highly reduced in the thigmotactic areas, actually increased in the non-thigmotactic areas. ये हमें ये बता रहे हैं कि ये हमारे पास जो thigmotactic areas है उसमें ये reduced है कि कितने ये corner पर walls पर ये इतना ज़्यादा saline mites जो है वो नहीं कर रहा था, जबकि ये जो non-thigmotactic areas थे जो हमारे पास है center, outer ring, inner ring, इन सब पर ये हमारे पास क्या है ये increase हो रहा है, ये यहाँ पर ज़्यादा time spend कर रहा है। देन सी डी पी ट्रीटेड माइस यहाँ पे इस ये हमारे पास सेवरल ड्रग इंड्यूस बिहेवियर ऑल्ट्रेशन शो करता है जिसमें हमारे पास स्ट्रेच अटेंड भी आ जाता है, रिटर्न भी आ जाता है, वॉल सीकिंग भी आ जाएगा हमारे पास और ये सारे जो हैं ये हमारे पास जब ये हम लोग करेंगे सी डी पी के साथ तो ये रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। ये हमारे पास क्या बताता है कि सी डी की जब हमारे पास ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो उससे हमारे पास ये पता चलता है कि ये जो हमारे पास एंटर आउटर रिंग में ये हमारे पास जा रहा था या इनर रिंग में जा रहा था ये सेंट्रल स्क्वायर में जो हमारे पास जा रहा था ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता सी डी पी से, सही। सी डी पी से जो सिर्फ हमारे पास इफेक्ट होता है वो हमारे पास एक्सप्लोर इफेक्ट होता है, ज़्यादा जो इफेक्ट होता है और भी चीज़ इफेक्ट होती हैं बट जो ज़्यादा इफेक्ट होता है वो हमारे पास एक्सप्लोर है जो हमारे पास क्या हो जाती है रिड्यूस हो जाती है सी डी पी से, जबकि जो वर्क है वो इंक्रीज हो जाएगी थ्रू आउट द ओपन फील्ड। अगर हम लोग देखें सी डी पी के इफेक्ट देखें तो हमारे पास वॉकिंग बिहेवियर जो होगा उसका वो पूरी ओपन फील्ड में वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, सिट एंड ग्रूम जो होगा वो हमारे पास अनअफेक्टेड होगा सी टी पी से। माय पार्ट इज कंप्लीट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।